हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फैशनी। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर अभी मेरे जो है एग्जाम सेंटर लिस्ट यानी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम सेंटर लिस्ट नहीं आई है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एग्जाम सेंटर लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी गई है, उसके रिगार्डिंग जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा और 2023 संपादित कराए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूँ, जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो 2/7/2023, जी हाँ देख सकते हो आप लोग, 2/7/2023 तक अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप जा करके आप वहाँ से जो है अपना जो है और 3/7/2023 को आपके जो आपके केंद्र हैं वहाँ पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी हाँ, आप जा करके अपने कॉलेज में पता करके आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो ले सकते हो। साथ ही दोस्तों उस पर आपकी मुहर वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा, उस पर होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि आपके कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से सेंटर बनाए गए, कौन कौन से कॉलेज चूज़ किए गए हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी एग्जाम डेट शीट वगैरह भी यहाँ पर जुड़ी गई है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सेंटर से। सेंटर आप देख सकते हो आगरा में दोस्तों 8 सेंटर बनाए गए, हाथरस में 3 बनाए गए हैं, अलीगढ़ में 2 सेंटर बनाए गए हैं, मथुरा में 8 सेंटर बनाए गए। दोस्तों आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसके हिसाब से आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, उसी हिसाब से पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या फिर दोस्तों मैं सिंपली आपको बता दूं, आप लोग टेलीग्राम पे चले जाइएगा, हाई फाई स्टडी का जो टेलीग्राम है वहां पे चले जाइएगा, वहां पे आपको ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है ये वहां पे अपलोड कर दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो सभी सेंटर्स यहां पे आप देख सकते हो, सभी सेंटर दिए गए हैं। अगर सभी सेंटर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग वहां पे जाइएगा। और जैसे कि यहां पे पीलीभीत हो गया, तो पीलीभीत में एक ही सेंटर है, गवर्नमेंट बालिका इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जितने भी पीलीभीत वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए तो एक ही सेंटर पूरा का पूरा यहाँ पर बनाया गया है, और छात्रों की संख्या भी निर्धारित की गई है जस्ट उसके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी सेंटर हैं वो सभी सेंटर देख सकते हो। जैसे औरैया के यहाँ पर 6 सेंटर बनाए गए हैं, एटा के 2 सेंटर बनाए गए हैं, और मेरठ के 4 सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। बागपत की अगर बात करेंगे तो 2 सेंटर बनाए गए हैं, गाज़ियाबाद के 3 सेंटर बनाए गए, इसी तरीके से जो है आपके सेंटर लखनऊ के 6 सेंटर बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से आप सेंटर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ पे जाकर के पूरी पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड करके और आराम से इसको अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है वहाँ पे जाकर के आप और अपना अपना सेंटर जो है वो देख पाओगे कि कौन कौन सा सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, ठीक है। इस वीडियो को दोस्त मित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।